केवल 4,000 रुपए में मैंने पूरी दिल्ली में करीब 25 से 30 प्लेस घूम लिए, और आप लोग कैसे इससे भी कम में घूम सकते हैं। यहाँ पर देश विदेश से बहुत से लोग घूमने आते हैं। यह मंदिर अपनी फूल जैसी बनावट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसको 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस पार्क में सभी चीजों को बेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ पर कुतुब मीनार, ताजमहल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोमन मास्टर। आज की वीडियो दिल्ली टूर के बारे में है, और इससे पहले मैं 2 पार्ट्स डाल चुका हूं, तो ये 3rd पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको पूरा खर्चा और इसके अलावा कई सारे प्लेस को भी एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर दें। और अगर आपको ट्रैवल ब्लॉग्स देखना और ट्रैवल करना पसंद है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग के साथ साथ उसमें सारी जानकारी भी देते रहते हैं। पिछले 2 पार्ट्स में हमने देखा दिल्ली कैसे जाएं और कहां रुकें, क्या खाएं, कहां कहां घूमें। इसके अलावा 20 से ज्यादा प्लेस को एक्सप्लोर भी किया होगा। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। चांदनी चौक से मेट्रो लेकर हम लोग जा ही रहे थे कि तभी मुझे पता चला पटेल चौक पर तो मेट्रो स्टेशन पर ही एक म्यूजियम है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं मेट्रो से जा रहा था तो म्यूजियम देखने की मुझे कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी फ्री के हिसाब से तो बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोग कभी भी मेट्रो स्टेशन पर जाओ तो म्यूजियम भी देख सकते हो, लेकिन ये म्यूजियम भी मंडे को क्लोज रहता है। अभी जब छोटे से रेल म्यूजियम से बाहर आए तभी मुझे अचानक से याद आया कि दिल्ली में तो एक नेशनल रेल म्यूजियम है, जहां आपको कई तरह की ट्रेनें और उनके बारे में पता चलेगा। इसके अलावा बहुत सी राइड्स भी आपको देखने को मिलेंगी। फिर क्या, मैंने धौला कुआं का एक टिकट लिया और पहुंच गया नेशनल रेल म्यूजियम, जो कि चाणक्यपुरी जोरबाग में पड़ता है। यह पटेल चौक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। नेशनल रेल म्यूजियम में जाने की फीस वीक डेज में बच्चों की 10 रुपए और बड़ों की 50 रुपए है, और वीकेंड पर यह फीस बच्चों के लिए 20 रुपए और बड़ों के लिए 100 रुपए है। यह म्यूजियम मंडे को छोड़कर सभी दिन सुबह 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे टॉय ट्रेन, 3D वर्चुअल कोच राइड, लेकिन यह सभी राइड्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर दिल्ली में आते हैं तो इस प्लेस को मिस ना करें। इसके बाद आप लोग हौज खास विलेज में भी जा सकते हैं। ये दिल्ली के बेस्ट पार्ट्स में से एक है। हौज खास साउथ दिल्ली में पड़ता है, जो कि शुरुआत में अलाउद्दीन खलजी ने बनवाया था। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे कैफे होटल्स भी हैं, लेकिन यह एरिया बहुत महंगा है, तो आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के एक और बहुत ही ज्यादा फेमस मीनार की। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ कुतुब मीनार की, जो कि मेहरोली में स्थित है। इसकी लंबाई 72.5 मीटर है और इसका खुद का मेट्रो स्टेशन है, जिसका नाम कुतुब मीनार है। इसको 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस टॉवर के अंदर जाना अलाव नहीं है और यह हर दिन खुला रहता है। इसकी एंट्री फीस बच्चों के लिए 15 रुपए और बड़ों के लिए 35 रुपए है। इसके बाद इसी परिसर में स्थित है लौह स्तंभ, जो कि 7.21 मीटर लंबा है। पर इसकी खास बात तो ये है कि इस पे जंग नहीं आती। इसको चंद्रगुप्त मौर्य सेकंड ने बनवाया था। आप लोग चाहो तो अलाई मीनार देखने भी जा सकते हैं, जो कि पूरी नहीं बनी है और इसको किसी कारण से बीच में ही रोकना पड़ा। अभी मुझे इसका रीजन नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो कॉमेंट में जरूर बताएं। अलाई मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू किया था। के बाद आप लोग जा सकते हैं छतरपुर, जो कि हिंदुओं के बीच में बहुत ही ज्यादा प्रचलन में रहने वाला प्लेस है। यह अलाई मीनार से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन छतरपुर है। यहाँ पर आपको बहुत से भव्य और पवित्र मंदिर देखने को मिलेंगे, जिसकी बनावट वाकई में लाजवाब है। छतरपुर के अलावा हम लोग एक बहुत ही ज्यादा फेमस जगह पर भी गए। जी हाँ, लोटस टेम्पल।
यह टेंपल बहापुर संबुदयाल बाग कालकीजी न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर देश विदेश से बहुत से लोग घूमने आते हैं। यह मंदिर अपनी फूल जैसी बनावट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इस टेंपल को 13 नवंबर 1946 में बनाकर तैयार किया गया। लोटस टेंपल में 9 गेट हैं, जो कि अंदर एक ही जगह हॉल में खुलते हैं। यहाँ पर कोई भी जा सकता है। आप लोग दिल्ली जाए तो यहाँ पर जरूर जाए। इस टेंपल की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, लेकिन याद रखें यह मंदिर मंडे को बंद रहता है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर 8 बजे से 5 बजे तक कभी भी जा सकते हैं। इसका नियरेस्ट मेट्रो कालकीजी है। इसके अलावा अगर आप लोग पूरे भारत को एक ही जगह पर देखना चाहते हो तो, या फिर बोलें कि दिल्ली में रहकर मीनाक्षी मंदिर, ताजमहल जैसी 20 और बड़ी बड़ी प्लेसेस को एक ही स्थान पर देखना चाहते हो तो भारत दर्शन पार्क जरूर जाएं, जो कि पंजाबी बाग रिंग रोड पर पड़ता है। इस पार्क में सभी चीजों को बेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ पर कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, नालंदा यूनिवर्सिटी और सबको मिलाकर 22 मूवमेंट्स हैं, जो कि सच में बहुत ही कमाल का है। यह पार्क की टाइमिंग 10 बजे से शाम 10 बजे तक है। यहाँ पर लाइट शो भी होता है। इसकी एंट्री फीस बड़ों की 100 रुपए और बच्चों की 50 रुपए है, और शाम के टाइम यह फीस 75 रुपए और 150 रुपए हो जाती है। भारत दर्शन पार्क के बाद हम गए अक्षरधाम, जो कि बहुत ही फेमस हिंदू टेंपल है। यहाँ का स्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर है, और इस मंदिर को दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कैंपस होने का भी खिताब मिला है। यहाँ पर आप शॉर्ट्स कपड़े पहनकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जा सकता है। यहाँ पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ की एंट्री फीस बच्चों के लिए 100 रुपए और बड़ों के लिए 170 रुपए है। यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन शो भी होता है, जिसकी अलग से फीस होती है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम है, और यह हमारे दिल्ली टूर सीरीज का लास्ट प्लेस था। इसके बाद हम लोग नोएडा में जाकर वहाँ के 2-3 फेमस जगह को एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद मथुरा, आगरा और फिर आगे नई नई जगह एक्सप्लोर करते रहेंगे। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि घूमने के लिए प्लेस तो पता चल गए, कैसे जाएं, कहां रुकें सब पता चल गया, लेकिन बजट नहीं पता चला। तो मैं आपको बता दूं, केवल 4,000 रुपए में मैंने पूरी दिल्ली में करीब 25 से 30 प्लेस घूम लिए, और आप लोग कैसे इससे भी कम में घूम सकते हैं। मैंने दिल्ली को पूरा बढ़िया से एक्सप्लोर किया, जिसमें मुझे 3 दिन और 2 रात का समय लगा। मैंने दोनों रात अपने दोस्त के यहाँ पर रहकर गुजारी, तो यहाँ पर लगभग मैंने 1500 रुपए बचा लिए। आप भी अपने रिश्तेदार के यहाँ पर रुक सकते हैं, और मेरा इधर उधर घूमने का किराया लगभग 2000 रुपए है। इसके अलावा मैंने लगभग 2000 रुपए एंट्री टिकट और खाने में खर्च किए होंगे। तो इस तरह मेरा टोटल खर्चा इस पूरी ट्रिप में केवल 4000 रुपए आया। आप लोगों का यह खर्चा 3000 रुपए से 8000 रुपए तक हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा, और दी गई जानकारी भी बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही हमारे आने वाले टूर वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारी सपोर्ट जरूर करें।